आज शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल फिरोजपुर के ग्रीनफील्ड प्लेस पहुंचे। आज उन्होंने अकाली दल के वर्कर के साथ मीटिंग की और कहा कि पंजाब के लोग कांग्रेसी सरकार से खुश नहीं हैं। कांग्रेस सरकार पंजाब में चुनावों में धक्केशाही करवा रही है। अकाली दल के लोगों को नामजदगी पत्र भी दाखिल नहीं करने दिए जा रहे। पंजाब की जनता इनको आने वाले लोकसभा चुनावों में जवाब देगी। कांग्रेस के विधायक और नेता हरियाणा से शराब मंगवा कर बेचे जा रहे हैं, खुद लाखों कमा रहे हैं और एक्साइज विभाग को चूना लगा रहे हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान शुरू से ही देश में हालात खराब करने की कोशिश करता आ रहा है, पर पंजाब और देश के लोग इनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। फिरोजपुर से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट। कल इस्तीफा दिता कांग्रेस तो कि राहुल गांधी इस टाइटलर नूं कढूगा, क्योंकि हफ्ते या दस दिन के अंदर टाइटलर भी अंदर जाने वाला है कि राहुल गांधी कमलनाथ नूं कढूगा, क्योंकि उन्हां दे खिलाफ भी है। बस जो फड़े जाएंगे फिर कहेंगे, उदों कहेंगे इस्तीफा दे देंगे। अज पंजाब की हालात देखो, अज पंजाब एक एग्जाम्पल दे दियो कांग्रेस सरकार का, एक चीज उन्हां दी कंट्रीब्यूशन बारे दस दियो। अज पंजाब विच कांग्रेसी MLA लिकर माफिया बने पए है, जिन्नी हरियाणे तो शराब ट्रकां राही आ रही है, सारे कांग्रेसी MLA ते लीडर लगे है, एक एक ट्रक मगर पांच पांच लख कमा रहे है, पंजाब दे खजाने नूं चूना ला रहे है। 600 करोड़ रुपये का नुकसान पंजाब दे खजाने नूं होना है इस साल एक्साइज पॉलिसी राही, जिहड़ा इन्हां ने कोई परवाह नहीं की, ते उत्थों हरियाणे तो ट्रक भर भर के लेके रहे। आई मनप्रीत सिंह बादल ते कांग्रेस का मुख्यमंत्री कहता सी असी 2000 करोड़ रुपये रेते तो कमावांगे, श्रोमणी अकाली दल दे राज दे दौरान 100 करोड़ की आमदन आती सी, हुण 20 करोड़ तो वध नहीं है। हुण जान के इन्होंने ऑक्शन नहीं की, क्योंकि सीधे शरेआम कांग्रेसी MLA थोड़े तो फिरोजपुर देख ही लो की हो रहा, जीरे थोड़ा जो MLA है 24 घंटे आई काम किया, शरेआम रेता कट के बेची जाते, नाले हुण ऑक्शन करना ही नहीं चाहते। जान के तुम देख लो 2 साल हो गए ऑक्शन ही नहीं हुई, क्योंकि लोड़ ही नहीं ऑक्शन की, उनको शरेआम खुली छुट्टी मिली है। तो हुण इलेक्शन का हालात देख लो, डेमोक्रेटिक सिस्टम आ सोचते हैं कि धक्के नाल सरकारां असी आपां जिला परिषद ब्लाक समिति पंचायती जित के असी सोचते कि असी बड़े लोकप्रिय हैं। मैं लगता हिंदुस्तान के इतिहास में एज एग्जाम्पल ही होना, मैं लगता इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की लोड़ ही नहीं पंजाब। स्टेट इलेक्शन कमीशन जिहड़ा देखता स्टेट दे इलेक्शन, इत्थे पंजाब कोई लोड़ नहीं है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ना मनती है ना परवाह करती है, ना इलेक्शन कमीशन कोई हुण वह जमा ही थले लगे पे सरकार दे। अज तुसी देख लो, अज मैं देख रहा हल्के वाइज हल्के जिन्हें नॉमीनेशन साढ़े भरने नहीं दते, आ देखो थोड़े फिरोजपुर जिला थोड़े को है, थोड़े सामने ही है, एक सरपंच नहीं, पहले जिला परिषद नहीं कागज दाखिल होने दते, ब्लाक समिति नहीं होने दते, अज सरपंच ही नहीं होने दते। वो सोचते हैं कि असं धक्के ना बना देंगे सरपंच बना दोगे, तुम धक्के ना बना तो सकते हो पर लोगों का दिल नहीं जीत सकते। आज जो पार्लीमेंट इलेक्शन आऊगा उदो पंजाब की जनता सबक सिखाऊगी, जिन्हें धक्के करी जान इन्होंने भुगतना ही पैना, तो पंजाब के पार्लीमेंट इलेक्शन जन पुतना पैना है, ते लागे असेंबली च देखो। सर अजी कैप्टन ने फिर क्लीन चिट देती है जी कांग्रेस नु, ना वो बेटी तरह भी पहला ओए वो भी बैठा रहा पूरा ना बैठा। मैं वही कहना है कैप्टन अमरिंदर सिंह नु शर्म होनी चाहिए है, कैप्टन साहब चुन लो, एक पासे से कौम है एक पासे गांधी परिवार है, सर एक किदे नाल जाना है। सज्जन कुमार दा हाई कोर्ट ने उन्हें महीना मंगया रिजेक्ट कर दिया। सर सज्जन कुमार जिहड़े एक महीना मंगया सी भी प्रोजेक्ट हो, असी वेलकम करते हैं। जुडिशरी ने बहुत इतिहासिक फैसला किया, 34 साल बाद जस्टिस मिली है, 34 साल लड़ाई श्रोमणी अकाली दल ने लड़ी है,
ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਿਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਿੱਤੇ ਛੁੜਾ ਮਸਲਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਖਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਤੰਕਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਲੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ